अनुशासन सबसे बड़ी चीज है, अनुशासन बनाए रखें। देश की ज्यादातर जनता और आदरणीय चड्डा जी की ओर से यौगिक आहार को लेके कोई विवाद नहीं, जलपान की व्यवस्था है। जितने भाई बहन बच्चे यहाँ पर आए हैं कोई भी बिना नाश्ते के ना जाए। देखिए, अगर आप योग का नियमित प्रयोग करें तो आपको बहुत फायदा है। वैज्ञानिक तौर पर हर एक चीज़ बनाई गई है, इसके हर हिस्से के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि शरीर को, दिमाग को, सब चीज़ों को फायदा होता है। जनरल साहब, ये वाकई देश के लिए बड़ी कामयाबी है। इतना सफल आप लोग मान रहे हैं कि इंटरनेशनल योग दिवस कितने देशों में एक साथ आज मनाया गया, कितना सफल? देखिए, शुरुआत है। आपको पता होगा कि हमारे बहुत से योगी, हमारे बहुत से आचार्य इस विद्या को लेकर बाहर गए हुए हैं, और इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये मानना कि 21 जून जिस दिन सबसे बड़ा दिन भी होता है, उस दिन अगर योग मनाया जाए पूरे सब जगह, सब लोग उसका प्रयोग करें, तो उसको सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। साहब, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, लगता है कि आज सबकी जुबान बंद हो गई? देखिए, विरोध हमारे यहाँ खासियत है। आप चार कदम चलिए, लोग बाग कहेंगे चार कदम क्यों चलें, पांच क्यों नहीं चले, तीन क्यों नहीं चले। तो विरोध का कोई औचित्य नहीं है। और जैसे मैंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि ये बहुत वैज्ञानिक तौर पे बनाई हुई पद्धति है, हर चीज़ को उस निगाह से देखना चाहिए, इसको किसी संकीर्णता के अंदर बांधने की आवश्यकता नहीं। सर, सूर्य नमस्कार जैसे जो योग है उन पर कुछ लोगों का आपत्ति थी? देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों की मानसिकता संकीर्ण है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सूर्य नमस्कार जो है वो किसी की पूजा नहीं है। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सुबह सुबह जब आप उठें और सूर्य जब निकलता है उसकी तरफ जब आप देखें तो उसकी किरणों से आपको लाभ हो। अब इसको आप कहें कि जी ये ख़राब है, ठीक है, ख़राब है, आप मत करिए। चाहता हूँ जनरल साहब मंच पर आ जाए बाद में।